हाँ, ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। हम लोग कर रहे हैं 6.1 का दूसरा सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। पहला स्टेप क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर के पीछे जो नंबर होता है, जो गुणांक होता है, उसका हम लोग ये लास्ट के जो नंबर है उसमें गुणा करते हैं। तो 1 × 9 हो गया 9, फिर 9 का गुणनखंड करेंगे, यानी ऐसे दो नंबर निकालो जिनका गुणा करने पर 9 आए, लेकिन उन दो नंबरों को प्लस करने पर 10 भी आना चाहिए। तो ये 9 × 9 होता है, तो 9 और 1 लिख दिया। यहाँ एक्स है तो दोनों के साथ एक्स आ जाएगा, पहला चिन्ह माइनस है तो पहला चिन्ह माइनस आ जाएगा, दोनों चिन्ह विपरीत होता है तो बीच में माइनस लगाते हैं, दोनों चिन्ह सेम रहेगा तो बीच में प्लस लगाते हैं। तो इसके बाद क्या करते हैं, पहला स्टेप वैसे ही लिखना है, उसके बाद ये दोनों स्टेप लिख देना, ये दोनों पद लिख देना, लास्ट में प्लस 9 लिख देना। फिर इन दोनों में कॉमन देखो, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स एक्स और ये 9x, एक्स एक्स 9x, क्या कॉमन है दोनों में, x दोनों में कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर में x कॉमन ले लिया तो भी x बचा, और माइनस 9x में x कॉमन लिया तो 9 बचा। फिर देखो ये माइनस है तो माइनस ही लगाना है। अब देखो यहाँ 1 है, इधर 9 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो वहाँ पे 1 कॉमन लिया जाता है, क्योंकि 1 सब जगह रहता है बेटा। 9 को भी आप 9 × 1 लिख सकते हो, 9 × 1, 9 × 9 है ना, तो इसका मतलब 1 दोनों में रहता ही है, तो 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1x में से 1 कॉमन तो क्या बचा, x बचा। अब ये माइनस कॉमन है तो क्या बचेगा, जब भी माइनस कॉमन होता है तो ये चिन्ह चेंज कर देते हैं। नहीं समझ में, माइनस नहीं समझ में आता तो यहाँ देख लिया करो, यहाँ जो रहेगा वही यहाँ भी रहेगा। फिर 9 × 1, 1 कॉमन तो 9 हो गया। अब x माइनस 9 कॉमन हो गया, क्या बचा, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 बच गया। देखो देखो दो ब्रैकेट के बीच में गुणा है, मतलब ये आपका गुणनखंड हो गया। क्या बेटा, बेटा ये ब्रैकेट दो बार आ रहा है ना, तो कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट एक ही बार लिखना पड़ता है। कॉमन लेते समय क्या होता है, जो दो बार आता है उसको एक बार लिखते हैं। जैसे यहाँ देखो एक्स स्क्वायर में एक्स एक्स था और ये इधर एक्स, इधर भी एक्स है, तो ये एक्स इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इसलिए एक्स एक ही बार लिखेंगे और जो बच जाएगा उसको अंदर लिखते हैं। वैसे यहाँ भी देखो एक्स माइनस 9 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो एक्स माइनस 9 एक ही बार लिखेंगे और जो बच जाएगा वो दूसरे ब्रैकेट में। जैसे मैंने यहाँ कॉमन लिया था वैसे ही इन दो पद में भी कॉमन ले रहा हूँ। समझ में आई बात। अब आगे का सवाल आप लोग खुद से करोगे, चौथा पांचवा छठा, ये देखो जो मैंने कट किया है वो रिड्यूस कर दिया गया है, वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मतलब 6 से लेकर 9 तक सवाल मत करना, 1 और 2 मैंने बता दिया है, आप लोग 3, 4, 5, 10, 11, 12 ये सवाल करना बस, ठीक है। आप लोग करना बेटा, आप लोग करिएगा, अपने मन से करने का प्रयास करिए। अगर आपका आंसर, अगर आपके आंसर रॉन्ग आते हैं या फिर आपका आपको नहीं आ पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं ये वापस से अगले लेक्चर में, यानी कि कल मैं वापस से इसको पढ़ा दूंगा आपको। हाँ, कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बच्चे को भी अगर नहीं आया तो मैं वापस कराऊंगा, इसलिए अगर आपको नहीं आया तो बिंदास बोलना, बिना डरे बिना शर्माए आप बिंदास बोलना, सर नहीं आया तो मैं वापस बताऊंगा आपको। तो ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। पहले मुझे ये बताओ कितने लोग अटेंड किए थे लेक्चर, देख लेते हैं। चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 16 लोग हैं। तो आज का लेक्चर 16 लोगों ने अटेंड। माइक बंद करो बेटा आप। तो ये 27/7/21 का 8वीं क्लास का मैथ्स का ये लेक्चर कितने लोगों ने अटेंड किया है, 27 कितने थे बेटा फिर से बोलो, 17 17
17 पार्टिसिपेंट। अब लेक्चर स्टॉप करने के पहले एक सूचना मेरी तरफ से सुन लो जरा आप। पहली सूचना तो ये है कि आप लोग तुरंत ये लेक्चर ज्वाइन किया करो, लेट अभी आप लोग बीच में आते हो, लेट आते हो तो डिस्टर्ब होता है। समझ में आया पहली सूचना? दूसरी सूचना यह है कि जब लेक्चर की रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं लाइव पढ़ा रहा होता हूँ, उस समय आप लोग अपना नाम और क्लास लिख के भेजा करो तो आपकी अटेंडेंस भी रिकॉर्ड हो जाएगी। हाँ, सबको मैसेज भेजने आता है ना चालू क्लास में? चालू क्लास में मैसेज सबको भेजने आता है कि नहीं?